हाँ भाई, तो अब ये मेरा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अभी क्वेश्चन नंबर फोर्थ करने से पहले, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इस तरीके से है, पहले देख लो एक बार, नहीं तो ठीक है मैं उल्टी सीधी चीज़ बता दूँ आपको। उसने ये पूछा है कि आप ये बताओ कि एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ये मेरा फैक्टर होगा। आपको ये प्रूफ करना है ना, कि एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर किसका फैक्टर होगा? एक्स की पावर एन माइनस एन एक्स प्लस एन माइनस वन। ये एन माइनस वन है, ठीक है ना, एक्स नहीं है ये, है ना। ओके, सो ये इसका फैक्टर होगा। बहुत सी सी बात, कहने का मतलब अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो इसमें से एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अगर कॉमन आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। अभी ये सब पता करने के लिए या इसको सॉल्व करने के लिए अपन को एक चीज़ पता होना चाहिए, और वो है ये, क्या कि एक्स की पावर एन माइनस वन को जब मैं ओपन करता हूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, दैट इज एक्स माइनस वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस एक्स की पावर एन माइनस थ्री प्लस ऐसे ऐसे करते करते एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये एक एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना। हाँ, अभी इसी में ये एक्चुअली स्पेशल केस है जब ए मेरा वन होता है। जो जनरल केस होता है वो ऐसा होता है कि अगर एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन लिखा हुआ है तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, एक्स माइनस ए इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए इंटू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स की पावर एन माइनस थ्री, ऐसे करते करते ए की पावर एन माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर एन माइनस टू इंटू एक्स प्लस ए की पावर एन माइनस वन, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इतना क्लियर है ना, ये इसकी ज़रूरत तो अपन को पड़ेगी। ये एक्स की पावर एन माइनस वन अपने काम में आने वाला है। तो अपना टारगेट क्या है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में से मैं अगर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर कॉमन निकालने में कामयाब हो गया तो ये फैक्टर हो जाएगा, सिंपली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं अपन। देखो, अब मैंने इस फॉर्मूले की बात की है तो डेफिनेटली मेरे को इसमें एक्स की पावर एन माइनस वन देखना पड़ेगा। सो ये देखो, ये है एक्स की पावर एन और ये है माइनस वन, इन दोनों को साथ में ले लेता हूँ। तो ये आ गया एक्स की पावर एन माइनस वन, और बचे हुए दो टर्म कौन कौन बच गए, ये बच गया माइनस एन एक्स प्लस एन, ठीक है। अब इसी चीज को और क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स की पावर एन माइनस वन और इन दोनों में से माइनस एन आप कॉमन ले लो, तो अंदर कितना बच गया, एक्स माइनस वन। अब देखो, आपको देख रहा है एक्स की पावर एन माइनस वन को मैं ये लिखूंगा, है ना, और यहाँ पे भी एक्स माइनस वन है तो दोनों में से एक्स माइनस वन कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। सो इसी चीज़ को मैं सर सकता हूँ, इसको एक्सपेंड करता हूँ, ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डैश 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 एक्स प्लस वन, और ये माइनस एन एक्स माइनस वन, ये दोनों टर्म्स में से एक्स माइनस वन कॉमन आ रहा है, ठीक है। सो मैंने कॉमन लिया एक्स माइनस वन, अंदर कितना बचा, ये अंदर बचा एक्स की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू, सॉरी प्लस ऐसे करते करते एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ऐसा, और माइनस में एन ये बचा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये माइनस एन है क्या, ये एन है क्या, ये एन जो है ना, एन एक्चुअल में क्या लिखा है, ये लिखा है वन प्लस वन प्लस वन, ये अप टू एन टाइम्स, ये होता है एन, है ना, ये कितना टर्म्स है, एन टाइम्स, ये यहां से यहां तक। और चूंकि माइनस साइन लगा हुआ है इसका मतलब हर एक वन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, मतलब एन टाइम्स वन मैंने माइनस साइन के साथ में लिखा हुआ है। अब आप यहां से यहां तक देखो कि मेरे कितने टर्म्स हैं। अब देखो, ये लिखा है एक्स की पावर वन, एक्स की पावर वन से एक्स की पावर एन माइनस वन तक एन माइनस वन टर्म्स होंगे,
और एक वन को मिला लूँ तो टोटल एन टर्म्स होंगे, कितने होंगे एन टर्म्स। अभी टोटल एन टर्म्स होंगे तो हर किसी को एक माइनस वन मैं दे देता हूँ, ठीक है। हर किसी को मैंने एक एक माइनस वन दे दिया। अब देखो एक एक माइनस वन देने से क्या हुआ, ये बाहर तो ये सुरक्षित है, ये अपना बिल्कुल सेफ साइड बाहर बैठा हुआ है, बाकी सब माइनस वन के साथ में पेयर बना लेंगे। तो ये लिखा है एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस टू माइनस वन प्लस ऐसे ऐसे से करते करते एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन और वन माइनस वन। तो ये वन माइनस वन तो जीरो हो गया, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। ये और ये माइनस एन वापस नहीं आएगा, ये माइनस एन को ही अपन ने वन वन करके लिखा हुआ है और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, इतना है समझ में, ठीक है। इसके बाद में अब आप फिर से देखो, ये फॉर्मूला अगर मैंने वापस अप्लाई किया सारे इसमें, तो ये तो मेरा जीरो हो गया, सारे उसमें से एक और एक्स माइनस वन कॉमन आ जाएगा। ये तो एक लिखा हुआ है, इसमें अप्लाई किया, इसमें भी एक एक्स माइनस वन आ रहा होगा, इसमें भी एक एक्स माइनस वन आ रहा होगा, और ऐसे करके सारे उसमें एक एक एक्स माइनस वन आ रहा होगा। तो इन सब में से भी मैं एक एक्स माइनस वन कॉमन ले लूंगा। अब अंदर कुछ भी बच रहा हो, अंदर कुछ भी बच रहा हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है, ठीक है। मेरे को तो बस ये बताना था कि एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक बाहर आना चाहिए। अगर ये बाहर आ गया तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इसका एक फैक्टर है, ठीक है। ये इसका प्रूफ है, ये इसका सॉल्यूशन है, ये एक तरीका है, ठीक है। इसके बाद इसका एक और तरीका है, बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। बाय यूजिंग, अभी जिसको डिफरेंशिएशन आता है उसके लिए, ठीक है ना, जिसको डिफरेंशिएशन आता है ना थोड़ा बहुत, उसके लिए है। सो डिफरेंशिएशन से कैसे करेंगे, तो डिफरेंशिएशन से करने के लिए सबसे पहली चीज आपको क्या पता होना चाहिए, जो अपन रिमाइंडर थ्योरम में एक्सप्रेशन लिखते हैं वो, कि किसी भी पॉलिनोमियल को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पी ऑफ एक्स इक्वल टू डी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, ये कोशेंट होगा, ये डिविजर है, और प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अभी पी ऑफ एक्स मेरा क्या दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स मेरा दिया है एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस एन एक्स प्लस वन, है ना, प्लस एन, और जो डिवीजर जिससे मेरे को डिवाइड करना है दैट इज एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। कुछ कोशेंट आएगा लेकिन मुझे कोशेंट से मतलब नहीं होता, ये लेक्चर में ही आपको बताया हुआ है पहले, है ना। सो कोशेंट से मेरे को जनरली मतलब नहीं होता, है ना, प्लस रिमाइंडर। तो अभी डिवीजर की डिग्री टू है तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी होगी, वन। और लीनियर एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका होता है ए एक्स प्लस बी, ये मेथड शेयर की हुई है ना ऑलरेडी, आप देख सकते हो चाहो तो, लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, ठीक है ना। ये ऐसा है, ठीक है। अब सी सी बात है, उसने बोला है कि फैक्टर होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए, इसका मतलब कि मेरा रिमाइंडर जो है, मेरा ये रिमाइंडर कितना आना चाहिए, जीरो। मतलब कहने का मतलब ए भी मेरा जीरो आ जाए और बी भी मेरा जीरो आ जाए, ये मेरे को चाहिए, बस ये मेरे को चाहिए, ठीक है। इसको अब लाते हैं ना। सो अभी क्या करते हैं अपन, इसको सबसे पहले जब भी ऐसा सॉल्व करना होता है तो मेरे को ये क्यू ऑफ एक्स बहुत दिक्कत देता है, ये बिल्कुल हमेशा सर पे बैठा रहता है। इसको हटाना है तो मैं एक्स की वैल्यू वन पुट करूं तो ये जीरो हो जाएगा, ये पार्ट हट जाएगा। भाई मेरा एम क्या है, मेरा एम कुछ नहीं है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करना। रिमाइंडर थ्योरम में यही होता है, रिमाइंडर थ्योरम में मेरे को रिमाइंडर फाइंड करना होता है, रिमाइंडर के लिए जनरल एक्सप्रेशन निकालता हूँ और ए बी सी जो भी आ रहे होते हैं उनकी वैल्यू फाइंड करके पुट कर देता हूँ। ए और बी फाइंड कर लिया, पुट कर दिया, तो ए एक्स प्लस बी रिमाइंडर होगा, है ना। और मुझे इस केस में क्या चाहिए, रिमाइंडर जीरो, मतलब मुझे ये प्रूफ करना है कि ए भी जीरो आ रहा होगा और बी भी जीरो आ रहा होगा, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है, तो ए और बी चाहिए है, एक्स की वैल्यू आप जो भी अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग पुट कर सकते हो। दिक्कत ये है कि आप टू पुट करोगे तो एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये टू पुट किया तो क्यू ऑफ एक्स आ जाएगा। अभी कोशेंट का करोगे कि आपको तो पता ही नहीं है कोशेंट,
डिवाइड करना पड़ जाएगा, भारी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इसको हटाने के लिए x की वैल्यू 1 रखूँ तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग इट इज़ 0। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट की, 1 पुट किया तो ये आया 1 की पावर n माइनस 1 माइनस n इंटू 1 प्लस n, ये आया 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्यू ऑफ 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो ऐसे भी 0 हो जाएगा, और ये आया a प्लस बी। ऐसे ये 1 रखा तो a प्लस बी, अभी देखो 1 माइनस 1 ये 0 हो गया और माइनस n प्लस n ये 0 हो गया, सो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये आया प्लस a प्लस बी। सो कहने का मतलब a प्लस बी इक्वल टू 0, या फिर बोल सकता हूँ a इक्वल टू माइनस बी। लिसन मैं, अब मुझे करना है डिफरेंशिएशन। अब एक बार मैं क्या करूंगा डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन करने की वजह क्या है कि जनरली ये क्या होता था, दो फैक्टर में होता था, जैसे x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 या x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, तो मेरे पास में x की दो वैल्यू हो रही होती थी जिसके कारण ये पूरा फंक्शन जीरो हो रहा होता था, और a और b दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है तो मेरे को दो इक्वेशन चाहिए, तो दो इक्वेशन मिल जाती थी, पर अभी मेरे को सिर्फ एक ही इक्वेशन मिल पाई, तो इसलिए अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उससे मेरे को दो इक्वेशन मिल जाएंगे। हर चीज़ को डिफरेंशिएट करो, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n इंटू x की पावर n माइनस 1, माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस एन एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस n, और ये भी 0, ये आया। ठीक है, इसके बाद इक्वल टू में, ये दो चीज प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल के हिसाब से पहले इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स माइनस 1 और क्यू ऑफ एक्स वैसा का वैसा, प्लस उसके बाद में इसको वैसा का वैसा छोड़ा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और क्यू ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन, क्यू ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन मैं मान लेता हूँ क्यू डैश एक्स, मान लेता हूँ कुछ होगा। ठीक है, और ये तो बी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो ये कितना आ गया a इंटू 1 ऐसा। अब वापस मैं x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 1, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये q ऑफ x और q डैश x को 0 बना देगा, 1 पुट किया, ये कितना आया 1 n इंटू 1 की पावर n माइनस 1 माइनस n, ये 0 हो गया, है ना, सेम ये भी 0 हो गया, और ये लिखा है a। अब ये n माइनस n, ये 1 है, n माइनस n ये कितना हो गया 0, ये भी 0, ये भी 0, और प्लस a, तो मेरा a 0 हो गया। अभी a 0 है तो आप बोल सकते हो कि मेरा b भी 0 होगा, यहां से आप बोल सकते हो कि मेरा b भी कितना होगा 0, तो मेरा रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर इसका एक फैक्टर है। तो ये मेथड थी डिफरेंशिएशन वाली, ठीक है ना, ओके। सो ये क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, सीखने के लिए बहुत कुछ है इसमें, ठीक है ना। चलो एक और डिस्कस करते हैं, ठीक है, हाँ भाई, फिफ्थ क्वेश्चन और देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये मेरी इक्वेशन है 6x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 4 प्लस 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये आपकी 5 डिग्री इक्वेशन है, इसके a b c d e आपके रूट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद वो क्या बोल रहा है, आपसे वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, किसका, 1 प्लस a, 1 प्लस b, 1 प्लस c, 1 प्लस d, 1 प्लस e, ऐसा, ठीक है ना, इसका वो बोल रहा है आपसे, ठीक है। अभी इसकी आपको वैल्यू पता करना है, अभी देखो अभी ये जीरो से, उसने नहीं बोला कि ये रियल रूट्स हैं या इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है ना, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये 5 डिग्री इक्वेशन है जिसके 5 रूट्स ये हैं, तो मैं इस 5 डिग्री इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूँ, दैट इज एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, ठीक है, ये शायद थोड़ा पीछे से उछल रहा है, मैं इसको दूसरे पेन से लिख लेता हूँ, ये है x माइनस सी,
एक्स माइनस डी एक्स माइनस ई, इस तरीके से, ठीक है ना। और लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है, 6 है, तो यहां पे भी लीडिंग कोएफिशिएंट कितना जाएगा, 6। इसको ये इक्वल टू ये लिखा है मैंने, और आप खुद सोचो मेरे को 1 + a, 1 + b, 1 + c इस टाइप से चाहिए। इसमें अगर x की वैल्यू 1 रखी तो ये 1 माइनस ए दे देगा, 1 माइनस बी दे देगा, मेरे को 1 प्लस ए चाहिए। अगर मैंने x की वैल्यू -1 पुट की तो आ जाएगा, देखो -1 पुट करूंगा तो ये -1 माइनस ए, माइनस साइन कॉमन ले लो, 1 प्लस ए है ना। सो -1 पुट करने पे मेरा काम बच जाएगा। तो देखो -1 पुट किया इस वाले में, सो ये कितना दे देगा मेरे को, 6 -1 माइनस ए, -1 माइनस बी, -1 माइनस सी, -1 माइनस डी, -1 माइनस ई, ऐसा। इन सब में से माइनस साइन कॉमन लूंगा तो ये 5 टर्म है, डेफिनेटली एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा -6, और बाकी आपका क्या जाएगा, 1 प्लस ए, 1 प्लस बी, 1 प्लस सी, 1 प्लस डी, 1 प्लस ई, इस तरीके से, ठीक है। होपफुली इतना समझ में आया हो, ठीक है। अभी इसके बाद में -1 मेरे को यहाँ पर भी पुट करना है, तो अब इसमें पुट कर देता हूँ। इसमें पुट करने के लिए ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है 6 × -1 power 5 + 5 × -1 power 4 + 4 × -1 power 3 + 3 × -1 power 2 + 2 × -1 plus 1। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये -6 + 5 - 4 + 3 - 2 + 1, ये कितना, 5 और 3 और 8 और 1 9, ये है +9, और -6 - 4 मतलब -10, और -2 - 12, तो ये कितना आया, -3। ये -3 है, ये -6 इस साइड है, तो -6 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो -3 / -6 एंड दैट इज 1/2। सो 1/2 जो है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है। होपफुली जी समझ में आई आपको, है ना, ज़्यादा आप कंफ्यूज नहीं हो, बहुत सिंपल है ना भाई। 5 इसके रूट्स हैं, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 6 मेरा लीडिंग कोएफिशिएंट है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं किया, x की वैल्यू -1 पुट किया, ठीक है, सिंपल सा तरीका है। एक और देखते हैं, ठीक है।